News 18, India. ज्ञानवापी पर सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जानकारी आप तक बहुत जल्द पहुंचाना चाहेंगे। ज्ञानवापी परिसर पर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। दरअसल ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर था, मंदिर रहा होगा। मंदिर होने के 32 से ज्यादा सबूत यहां पर मिले हैं, ये एएसआई की रिपोर्ट में सामने आया है। मंदिर होने का ये बहुत बड़ा दावा है। इस दावे का सीधा सीधा मतलब ये है कि हिंदू पक्ष ने जो दावा मंदिर होने का इस परिसर में किया, उसको लेकर ये पुख्ता जो मुहर है वो एएसआई की रिपोर्ट के जरिए लगाई गई है। जाहिर सी बात है, इस वक्त हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है ज्ञानवापी को लेकर। ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट जिस पर नजरें टिकी हुई थी कि क्या कुछ सामने आता है, ये रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौंप दी गई है। यानी पूरी डिटेल इस वक्त हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के पास मौजूद है। एएसआई रिपोर्ट को देखकर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि मस्जिद से पहले यहां मंदिर था। हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि हिंदू मंदिर होने का प्रमाण यानी सबूत इस रिपोर्ट के जरिए मिल चुका है। हिंदू पक्ष के वकील का यह भी दावा है और यह दावा बहुत बड़ा है। देखिए, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति यहां मिली है। रिपोर्ट में स्वास्तिक के निशान होने की भी बात यहां पर सामने आई है। सर्वे का वो वक्त भी आपको याद होगा, इस पर पूरी तरह से गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा था, रिसर्च की जा रही थी कि जो तथ्य यहां पर इकट्ठा किए गए हैं आखिर वो हकीकत के कितने पास में है। हिंदू पक्ष का जो दावा यहां पर मंदिर होने को लेकर, स्वास्तिक होने को लेकर, देवी देवताओं की मूर्ति को लेकर यहां पर होने को लेकर किया जा रहा था, क्या वो वाकई हकीकत है? तो हिंदू पक्ष के वकील अब बेहद खुश भी हैं। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि एएसआई का निष्कर्ष निर्णायक है। आप निष्कर्ष निर्णायक से मतलब यहां पर समझिए, यानी कि जो निचोड़ यहां पर सामने आया है वो ये बताता है कि इस परिसर में मंदिर जो था पहले से मौजूद था। यानी जो मांग यहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है कि पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो परिसर था, जो मस्जिद है, वहां पर पहले से मंदिर बना हुआ था और उसे तोड़कर या फिर उसे ध्वस्त कर या फिर उसके ऊपर जिस तरह से इसका निर्माण हुआ गया है, न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे में मस्जिद से पहले मंदिर यहां पर था, यह बात एएसआई की रिपोर्ट में सामने आई है और यह बताता है कि किस तरह से अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से कानूनी प्रक्रिया, जाहिर सी बात है, एक कदम आगे बढ़ाने का हक है उन्हें, लेकिन हिंदू पक्ष में इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी की लहर है वो इस बात की कि हिंदू पक्ष के वकील, हिंदू पक्ष के जितने भी समर्थक रहे वो यही कह रहे थे कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति यहां पर है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के चिन्ह यहां पर है, स्वास्तिक यहां पर है, मंदिर यहां पर है। एएसआई ने यह कहा है कि जो वहां पे टेंपल एग्जिस्ट करता था वहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग टेंपल था। एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4M में जो वाइट सेलर्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। में और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं उस खंबे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग, मैं वो बता रहा हूँ। हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके, मतलब एएसआई ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो एक जो सेंट्रल चेंबर है उसके वहां पे एटलीस्ट एक चेंबर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और उसमें से जो रिमेन्स हैं 3 चैम्बर्स के वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में इस तथाकथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं एसर्टेन हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई है। वो सेंट्रल चेंबर हुआ जहां पे असर्टेन नहीं हो पा रहा जी, ये सेंट्रल चेंबर और मेन चेंबर की बात हो रही है, सेंट्रल और मेन चेंबर में असर्टेन नहीं हो पा रहा, बाकी सब जगह पे असर्टेन हो पा रहा जी। तो जाहिर सी बात है इसके साथ में हिंदू पक्ष का दावा बेहद मजबूत होता नजर आता है। हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूरी जानकारी यहां पर लेते हैं। अमित, ये बहुत ही बड़ा दावा या अगर निर्णायक निष्कर्ष कहा जा रहा है तो हिंदू पक्ष का दावा कितना ज्यादा मजबूत होता नजर आता है और आगे मुस्लिम पक्ष क्या कुछ राह अपना सकता है? फिलहाल पूरा निचोड़ चाहेंगे इस रिपोर्ट का, इस सर्वे का जो सामने आया।
देखिए सवीना, 839 बंदों का ये पूरी एएसआई सर्वे रिपोर्ट है, जो कि इस वक्त हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार दोनों के पास ये सर्वे रिपोर्ट मौजूद है। और फिलहाल मुस्लिम पक्षकार की तरफ से साफ साफ लफ्जों में ये कहा गया कि अभी वो इस रिपोर्ट को अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया के बारे में वो जानकारी देंगे। लेकिन हिंदू पक्षकार वहीं दूसरी तरफ वो जरूर रिपोर्ट की जो एक एक पंक्ति है उन पंक्तियों को पढ़ के वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पश्चिमी दीवार है, वो पश्चिमी दीवार पहले से पुरानी बनी हुई थी, उस पर जो गुंबद का ढांचा है वो खड़ा किया गया। इसके अलावा हिंदू पक्षकार का साफ साफ ये भी कहना है कि एएसआई सर्वे के द्वारा के दौरान नाग देवता और तमाम जो पुराने देवी देवता हैं उनका अस्तित्व के बारे में जानकारी मिली, यानी उनकी जो मूर्तियां हैं उसके बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा तकरीबन 32 देवी देवताओं या स्वास्तिक चिन्हों की जानकारी एएसआई सर्वे के दौरान मिली है। तो ये तमाम दावे जो है वो हिंदू पक्षकार की तरफ से कहा जा रहा है। और सीधे जो एक्सक्लूसिव जो एएसआई रिपोर्ट की कॉपी है वो इस वक्त न्यूज के पास भी है। ठीक है अमित, आपके पास लौटेंगे, क्योंकि वजू खाने के परिसर को क्या इसमें शामिल किया गया है, क्या वो भी इसमें है? क्योंकि अभी कुछ डिटेल जो यहां पर देख रही थी मैं भी, उसमें फिलहाल वजू खाने के परिसर को बताया जा रहा है कि वो सामने नहीं है, उसकी डिटेल हम पुख्ता तौर पर आपसे जरूर लेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, ये यहां पर समझ लीजिए, क्योंकि ज्ञान वापी पर एएसआई की रिपोर्ट, इसका इंतजार किया जा रहा था। अब क्या इस रिपोर्ट पर है वो आपको यहां पर डिटेल, मौजूदा ढांचे से पहले वहां बड़ा हिंदू मंदिर था, ये एएसआई की रिपोर्ट है। दीवार पर त्रिशूल की आकृति मौजूद है इस रिपोर्ट में, ये भी यहां पर दावा किया गया है। हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली है, यानी कि मूर्तियां मिली है खंडित है, यह जरूर दावा हिंदू पक्ष का और मजबूत करता है। स्वास्तिक का भी उसमें चिन्ह होने का सब बात सामने आई। और ज्ञानवापी परिसर में खंबे हिंदू मंदिर के हैं, क्योंकि हिंदू मंदिर के जो खंबे होते हैं उनकी आकृति ये बिल्कुल मिलती जुलती है। मंदिर होने के 32 से ज्यादा सबूत यहां पर मिले हैं। मंदिर के खंबों का दोबारा इस्तेमाल किया गया। रुद्र और जनांदर देवता के जो चिन्ह है वो भी इस रिपोर्ट के जरिए सामने आए हैं। 339 पन्ने की एएसआई की ये सर्वे की पूरी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को देखिए किस तरह से यहां पर सामने रखा गया है, जो कि हिंदू पक्ष का दावा जो है वो मजबूत करता है। ये पूरी डिटेल इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, पूरी डिटेल यहां पर, इसके अलावा क्या कुछ और खास जानकारी जो हिंदू दावे के हिंदू पक्ष को और मजबूत करता नजर आता है? वजू खाने के परिसर को भी समझना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले तो साफ कर दूं कि जो वजू खाने का परिसर है फिलहाल वो सील है, और उस जगह पे एएसआई ने कहीं से भी सर्वे नहीं किया है। उस जगह की सर्वे की अभी डिमांड की जा रही है कोर्ट में, एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट मूव करने वाले हिंदू पक्ष का। और जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन से आज खुद मेरी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वो मूव करेंगे, क्योंकि वजू खाने वाले जगह पर भी एएसआई सर्वे होना चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर सामने आएगा। इसके अलावा अगर बाकी वजू खाने की जगह को छोड़कर दूसरे प्रमाइसेस की अगर हम बात करें तो दूसरे प्रवाइसेस में जो एएसआई ने सर्वे किया है वो भी 92 दिनों तक, उस सर्वे के दौरान ये निकल कर सामने आया है कि 32 ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साफ होता है कि ज्ञानवापी परिसर जो है मंदिर से मस्जिद से पहले वो मंदिर था। पश्चिमी दीवार जिस पर गौरी शंकर की पूजन अर्चन होती है वो दीवार पहले से ही था, उसी दीवार का इस्तेमाल करते हुए ऊपर गुंबद बनाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तहखाने के अंदर से भी कई स्वास्तिक के निशान मिले हैं। इसके अलावा जो पुरानी प्रतिमाएं, देवी देवताओं की पुरानी प्रतिमाएं टूटी हुई बरामद हुई है, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से हिंदू पक्षकार लगातार कोर्ट में दावा करते रहा है उनके दावे इस एएसआई रिपोर्ट से बिल्कुल और मजबूत होता है। जाहिर तौर पर अगर हम लीगल रेमेडीज की बात करें तो जाहिर तौर पे अब मुस्लिम पक्षकार एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास अभी भी लीगल रेमेडीज बचती है इस जो एएसआई सर्वे है उसको लेकर वो कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। और उनके ऑब्जेक्शन पर देखना होगा कि हिंदू पक्षकार किस तरीके से रिजॉइंडर फाइल करते हैं और उस पर क्या बहस होती है, और जब ऑब्जेक्शन का ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो उसके बाद रूटीन बहस और फिर गवाही का मामला शुरू हो जाता है। और जिस तरीके से हायर कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर इस मामले का निपटारा किया जाए, तो उसी उस कड़ी में एक स्टेप और आगे बढ़ा है जिस तरीके से एएसआई सर्वे हुआ, जिस तरीके से 18 दिसंबर जी अमित, एक स्टेप यानी कि एक कदम यहां पर ये पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि संवेदनशील मामला रहा, गंभीर मामला रहा, और जाहिर सी बात है धार्मिक आस्था से जुड़ा ये पूरा मामला रहा, भले वो हिंदू पक्ष की तरफ से हो या मुस्लिम पक्ष की तरफ से, लेकिन कोई दो राय नहीं अमित, ये बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आस्था कानून से जुड़ा ये पूरा मुद्दा यहां पर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट यहां पर सामने आई है,
लेकिन इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट यहां पर सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य का यह ट्वीट, हर हर महादेव, उनकी तरफ से यह ट्वीट यहां पर किया गया है। अब क्या कुछ आगे यहां पर होने वाला है? अमित, सीधा सवाल ये, कानूनी प्रक्रिया के तहत, आस्था के तहत अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम जाहिर तौर पे जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो इस पूरे मामले में ऑब्जेक्शन वो फाइल कर सकते हैं। अब देखना होगा कि ऑब्जेक्शन में वो क्या कुछ लिखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्षकार आज तक कोर्ट में दलील देते हैं इस एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आने से पहले या एएसआई के सर्वे होने से पहले, वो जिस तरीके से दावे करते आए हैं, और हिंदू पक्षकार जो 1970 से लेकर 1980 और 85 के जो फोटोग्राफ कोर्ट में गवाही के तौर पे देते रहे, सबूत के तौर पे देते रहे इस पूरे मामले में, कहीं ना कहीं एएसआई का जो रिपोर्ट आया है वो उन बातों को पुख्ता साबित कर रहा है। तो ये एएसआई का सर्वे जो है मुस्लिम पक्षकार के लिए जरूर एक बड़ा झटका, लेकिन उनके पास अभी भी लीगल रेमेडीज बचती है। एक तो इसी कोर्ट में वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, और जाहिर तौर पे इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर वो हायर कोर्ट में भी वो जा सकते हैं, और हायर कोर्ट में भी जाकर वो जिस लीगल ऑप्शन का आप जिक्र कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के पास, जाहिर सी बात है कानूनी प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध तरीके से अब अगला कदम यहां पर नजर आता है, लेकिन जो एएसआई की रिपोर्ट होती है वो हवा हवाई होती नहीं है। जाहिर सी बात है उसे आधार यहां पर हर कीमत पर बनाया जाता है। मुस्लिम पक्ष जब एक कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे जाएगा, एएसआई की रिपोर्ट जाहिर सी बात है वहां भी सामने सबसे बड़े सबूत, सबसे बड़े दावे के तौर पर सामने आएगी। ऐसे में क्या वाकई मुस्लिम पक्ष का वो दावा बहुत ज्यादा मजबूत नजर आता है क्या? देखिये, एएसआई सर्वे जो हुआ है वो साइंटिफिक तरीके से हुआ, जीपीआर सिस्टम का इसमें। धर्मगुरु स्वामी दीपांकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्वामी दीपांकर जी, सवाल यही है, ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर था, एएसआई की ये रिपोर्ट सामने आ गई है, बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ी खबर सबूत के तौर पर। मैं आप सबको पहले तो मैं यही कहूंगा, मैं स्वयं महादेव के ही सामने खड़ा हूँ, और हम लोग ये बात शायद आज से नहीं बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। जिस जगह का नाम ही ज्ञानवापी है, मतलब ज्ञान का वो कुप जो पार्वती के लिए महादेव ने उसको खोदा हो अपने त्रिशूल से, उसमें कहाँ किसी और अन्य मजहब की चीज हो सकती है। मगर जब एएसआई का सर्वे चल रहा था तो पहले भी उस समय भी बहुत सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाने की बात की थी कि क्या आवश्यकता है क्या नहीं, और कुछ लोगों ने कहा था करा लीजिए, जो सत्य होगा सामने आएगा। तो मैं कहूंगा कि दीवारें बोल रही हैं और राज खोल रही है। अब एएसआई की रिपोर्ट भी आ गई, सत्य भी सामने आ रहा है कि पूर्व में वहां मंदिर था। मैं समझता हूं कि अगर राम मंदिर में वो चीज नहीं हो पाई तो कम से कम इसमें हम लोग आगे बढ़कर भाईचारे की मिसाल पेश कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं, कम से कम ये मौका हम लोग ना गवा दें। और अगर ये भी मौका गवा दिया तो मैं फिर वही कहूंगा, फिर तय किया जाए कि भाई कौन और चारा कौन। मगर कम से कम ये तीन महत्वपूर्ण स्थान सनातन धर्म के मानने वाले 100 करोड़ लोगों के हैं। कहा जाता है कि शिव हमारा शीश है और कृष्ण हमारे प्राण जी, राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। तो शिव हमारा शीश है, क्या बिना शीश के कोई रह सकता है? आप सोचिए ना कि करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग काशी में जब गए थे। तो जाहिर सी बात है आप धर्म गुरु हैं, एक अलग खुशी यहां पर हिंदू पक्ष में नजर भी आ रही है ज्ञानवापी पर एएसआई के इस रिपोर्ट के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे की जो ये रिपोर्ट सामने आई है वो ये बताती है कि मस्जिद से पहले यहां पर बड़ा मंदिर था, यानी कि 32 से ज्यादा यहां पर वो सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहां पर मंदिर मौजूद था। वही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया। उन्होंने एएसआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एएसआई ने कहा कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। यह डिटेल आप बेहद गौर से सुनिए। दरअसल सबसे पहले साल 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी या अनुमति उनकी तरफ से मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है, धर्म से जुड़ा मुद्दा है। साल 2021 की बात करते हैं, क्योंकि इसमें 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना दर्शन पूजन की अनुमति मांगी थी। महिलाओं की याचिकाओं पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण का आदेश यहां पर पारित किया गया था, जिसके बाद उनमें इस बात की खुशी थी कि सर्वेक्षण होगा, सर्वे सामने आएगा और आखिरकार सच भी यहां पर निकलकर सामने आएगा।
और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दो दिन के दौरे पर भारत पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर में भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इमैनुअल मैक्रों ने खुली गाड़ी में रोड शो किया। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों दरअसल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं, जिसकी कल शानदार दमदार और भव्य तस्वीर नजर आएगी। और देखिए चाय की चुस्की के साथ आपको इस वक्त दो दिग्गज नजर भी आ रहे होंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दो दिनों के दौरे में कई ऐसी बातें होनी है जो दोनों देशों के लिए यानी कि भारत और फ्रांस के लिए बेहद जरूरी है। फ्रांस यूरोप में भारत के अच्छे दोस्तों में से एक है और जब खुद इमैनुअल मैक्रों भारत में है तो दोनों देशों के बीच कुछ यादगार होना तो जाहिर सी बात है यहां पर बनता ही है। तो भारत और फ्रांस देखिए जिस तरह से कई मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देते आए हैं, ये दोस्ती मजबूत होती नजर आती है, चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक तौर पर हो। फ्रांस के साथ हमारा रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता गया है और इस रिश्ते को एक कदम आगे ये आने वाले दो दिन बढ़ाते हुए साफ साफ दिखाई भी देते हैं। दोस्ती की ये नई इबादत है, नए भारत की नई शक्ति की ये नई पहचान है। फ्रांस और भारत के बीच फ्रेंडशिप की ये सबसे ताजा तस्वीर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत पहुंचे हैं भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर। फ्रांस और हिंदुस्तान के रिश्ते पिछले 10 सालों में कहां से कहां पहुंच गए, ये तस्वीर उसकी गवाही है। रोड शो का एक नया कल्चर जो है वो भारत में देखा है। जब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ गुजरात में रोड शो किया गया था और यहां पर भी पीछे की तरफ आप देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रों भी पूरी तरह से हैंड वेव करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले साल जुलाई में बेस्टल डे जो कि नेशनल डे होता है वहां पर फ्रांस का, वहां पर गए थे, विशेष मेहमान थे। और अब उसी को रेसिप्रिकेट करते हुए 26 जनवरी यानी कि कल विशेष मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। यूरोप के शक्तिशाली देश फ्रांस के साथ भारत के संबंधों के उस टर्निंग पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे जिसने रफाल दिया, जिसने पिछले 65 सालों का दोनों देशों के बीच गणित बदल दिया। लेकिन अभी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के भारत पहुंचने और उनके शेड्यूल की हर एक डिटेल देख लीजिए। गुलाबी शहर जयपुर में इमैनुअल मैक्रों के स्वागत के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। दोपहर 2:30 पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। दोपहर 3:15 पर आमेर के किले पर पहुंचे। वहीं शाम 5:30 पर जंतर मंतर पहुंचे और शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो किया। शाम 6:15 पर हवा महल पहुंचे। शाम 7:15 पर होटल रामबाग पैलेस में पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच बैठक हुई। और रात 8:50 पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दिल्ली के लिए विशेष विमान से रवाना हो गए। 2024 राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस। 2023 राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मिस्र। 2020 राष्ट्रपति जेयर बेल्सोनारो ब्राजील। 2019 राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका। 2018
सभी 10 आसियान देशों के प्रमुख। 2017 क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अबू धाबी। 2016 राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद फ्रांस। 2015 राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिका। ऐसा छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी के बीच बॉन्डिंग जबरदस्त है। मैक्रों आज जब भारत पहुंचे तो जयपुर में मोदी और मैक्रों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत कई क्षेत्र में सहयोग को लेकर चर्चा हुई। फ्रांस यूरोप के उन देशों में से एक है जो भारत के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद भारत की कूटनीति ने कई मील के पत्थर गाड़े हैं। भारत की सॉफ्ट नेशन वाली इमेज अब पूरी तरह बदल चुकी है, लिहाजा इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे से कई तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जिसमें से एक है रक्षा समझौता, लेकिन इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के नए चैप्टर की शुरुआत से लेकर अब तक भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती की शुरुआत उस वक्त से मानी जाती है जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इसका विरोध जताते हुए अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने भारत पर कई पाबंदियां लगा दी थी। तब फ्रांस पश्चिम का इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत का समर्थन किया था। रूस यूक्रेन जंग के बाद से भारत रक्षा के क्षेत्र में और खासतौर पर हथियारों की खरीद के मामले में रूस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। हालांकि भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं कहा, लेकिन आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। SIPRI के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीददार है, वहीं फ्रांस दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है। 2018 से 2022 के बीच भारत ने 30% हथियार फ्रांस से ही खरीदे। भारत और फ्रांस के बीच सालाना करीब 97,000 करोड़ रुपए का व्यापार है। फ्रांस के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। भारत और फ्रांस एक दूसरे से किसी एक मुद्दे पर सहयोग नहीं चाहते। दोनों के बीच सालों से दुनिया के अलग अलग मुद्दों को लेकर अच्छी साझेदारी रही है। फ्रांस ने पश्चिमी देशों का अमेरिका के दबाव में कभी भी भारत के खिलाफ किसी मुद्दे पर एक्शन नहीं लिया, न ही विरोध किया। फ्रांस भारत की दोस्ती की मजबूती का सबसे बड़ा आधार भी यही है, लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के बीच ऐसी कौन सी सीमेंट है जो जोड़कर रखती है। भारत के लिहाज से इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला मुद्दा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत स्थायी सदस्यता की मांग करता है, इसे लेकर फ्रांस ने भारत पक्ष लिया है। यूएन में फ्रांस 5 स्थायी सदस्य देशों में से एक है और चीन की चालों को फ्रांस जवाब देने की स्थिति में है। दूसरा मुद्दा, भारत और फ्रांस दोनों देश मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय दुनिया के समर्थक हैं, यानी किसी एक देश की दादागिरी के खिलाफ। यही वजह है कि नेटो का मेंबर होने के बावजूद फ्रांस ने चीन पर अमेरिका के इशारों पर चलने से मना कर दिया। यही नहीं, फ्रांस से भारत ने 36 रफाल फाइटर जेट्स लिए हैं। मैक्रो के दौरे के बाद भारत के मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी MDL को फ्रांस के सहयोग से 3 और स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन बनाने का मौका मिल सकता है। पश्चिमी देशों के उलट फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने में मदद की है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस के बाद फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसने भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद की है। इस प्लांट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत अभी जारी है। महाराष्ट्र के जैतपुर में लगा परमाणु प्लांट फ्रांस की मदद से ही मुमकिन हो पाया। फ्रांस की भारत के साथ दोस्ती देखकर ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को न्योता दिया गया, और अच्छी बात है कि फ्रांस की सरकार ने इसे कबूल भी किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और फ्रांस के बीच सब कुछ ऑल इज वेल है। भारत और फ्रांस के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हैं, वो ज्यादातर टैरिफ से जुड़े हैं।
फ्रांस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, ऐसे में दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर होने वाली डील ईयू की निगरानी से होकर गुजरती है। यूरोपियन यूनियन भारत से कार, वाइन, स्कॉच, शैंपेन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैरिफ को कम करने की मांग कर चुका है। इसके अलावा वीजा पेटेंट को लेकर भी दोनों के बीच मतभेद है, जिसके चलते ईयू के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाया। इमैनुअल मैक्रों की यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बातचीत फिर शुरू हो सकती है, जिसकी पूरी उम्मीद दिख रही है।